इसको मैं इक्वेशन वन का नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन टू का नाम देता हूँ। अच्छा, अब क्या कर लेता हूँ, दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। इस स्टेप के अंदर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मैं इस लाइन लगा लेता हूँ, इसका साइन प्लस देना है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये प्लस हो जाएगा। फोर एक्स स्क्वायर से टू एक्स स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, माइनस फाइव से आप निकालोगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टू, दोनों साइड में मैं कर लेता हूँ डिवाइड, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाई टू, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू अंडर रूट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वन बाई टू अंडर रूट हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं दूसरा, जब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू मालूम करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू जो हम y के अंदर पुट कर रहे हैं, तो एक दफ़ा हम प्लस वो है, व्हेन x इज इक्वल टू प्लस वन, प्लस वन बाई अंडर रूट टू, तो हम पहले इक्वेशन ये दूसरे के अंदर जिसके अंदर भी पुट कर रहे हैं, लेट सपोज पहले के अंदर पुट कर रहे हैं, वो हमारे पास इक्वेशन है फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर की जगह पे वन बाई टू अंडर रूट का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा वन बाई टू का अंडर रूट का स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, वन का स्क्वायर तो वही आ जाएगा अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो फोर बाई टू प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, टू आ जाएगा, टू माइनस फाइव तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री, माइनस फाइव से को टू ऐड करोगे तो माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, थ्री माइनस थ्री को इज इक्वल टू क्रॉस साइड पे लेके जाते हैं, थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री डिवाइडिंग बोथ साइड बाई थ्री, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू हमारे वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब स्क्वायर रूट लेंगे वाई की वैल्यू होगी प्लस माइनस वन आ जाएगी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू अंडर रूट, वाई की वैल्यू हमारे पास एक दफ़ा वन है, और व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू अंडर रूट, वाई की वैल्यू एक दफ़ा माइनस वन। अब दूसरी दफ़ा जब हम व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू अंडर रूट, तो इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा है, इक्वेशन है फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो फोर माइनस वन बाई टू अंडर रूट का स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन का तो आपके पास प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आपके पास टू प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, अगेन वही माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव प्लस टू, आपके पास माइनस थ्री आ जाएगा, इसको वाई की वैल्यू मालूम इज इक्वल टू क्यू साइड पर लेके जाते हैं, थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री डिवाइडिंग बोथ साइड बाई थ्री, तो हमारे पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री वन, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वेयर लिए स्क्वेयर रूट लिए, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू अंडर रूट, वाई की वैल्यू एक दफ़ा होगी वन, व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू अंडर रूट, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, तो ये दो इसके सोल्यूशन हमारे पास आ चुके हैं।